तो दोस्तों सब्सक्राइब करिए हमारे रैपिड चेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए, जिससे आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स मिलते रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम टू रैपिड चेक चैनल, जहां पे आपको मिलेंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल अपडेट्स। तो आज हम खड़े हैं जैगुआर की ब्लैक कैट के सामने, जिसका नाम है जैगुआर XF। आपने दोस्तों इस गाड़ी को रोड पे चलते हुए देखा होगा बहुत बार, आपको भी लगा होगा ये काश ये गाड़ी मेरे पास होती, या जिन लोगों के पास है उनको ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो चलिए इसका फुल रिव्यू और डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन और फीचर्स के बारे में बात करेंगे। ये इसको नया रीडिज़ाइन किया गया है, अब यहाँ पे देख सकते हैं ऑल न्यू XF लिखा हुआ है, और हम जानते हैं क्या क्या फीचर्स हमको जैगुआर की XF में देखने को मिल जाएंगे। और इसके कॉम्पिटिटर्स के बारे में बता दूँ दोस्तों, इसके कॉम्पिटिटर्स भी टॉप ऑफ द सेगमेंट हैं, वो हैं ई क्लास एंड द ऑडी A6। जो ई क्लास है मर्सिडीज बेंज की, ऑडी A6 साथ में जैगुआर XF। और BMW के बारे में बात करें तो BMW 5 सीरीज। तो ये है जैगुआर की XF, मैं आपको इसकी साइड प्रोफाइल दिखा देता हूँ यहाँ से। तो चलिए सबसे पहले इसकी की तरफ देखते हैं। तो ये है जैगुआर XF की। आपको इसमें चार फंक्शन देखने को मिल जाएंगे, लॉक अनलॉक, आप इसे लाइट कंट्रोल कर सकते हैं, आप इसे डायरेक्टली बूट ओपन कर सकते हैं, और ये इसका पार्किंग लाइट्स ऑन करने के लिए। यहाँ पे आप जैगुआर की बैज देख सकते हैं, जैसे ही लैंड रोवर की जो कीज़ हैं वैसे ही जैगुआर की कीज़ हैं, क्योंकि दोनों ही सेम ब्रांड के लिए हैं। तो चलिए इसके लाइट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये है इसकी जे शेप्ड ऑल LED लाइट्स। चलिए मैं दोस्तों आपको इसकी लाइट्स ऑन करके दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ से की हमने लाइट्स ऑन, और आप ये देख सकते हैं, मैं आपको बता रहा दोस्तों पहली वीडियो के स्टार्टिंग में, ये है ब्लैक कैट, तो इसकी लाइट्स बहुत यूनिक हैं। और गाड़ी के फ्रंट में एक बार चलते हैं, तो यहाँ पे आपको जैगुआर का बड़ा सा लोगो देखने को मिल जाएगा, साथ में आपको क्रोम फिनिश की ग्रिल देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी अच्छा लुक देती है जैगुआर की XF को। यहाँ पे हेडलाइट वॉशर देखने को मिल जाएगा, इस साइड पे भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी गाड़ी के अंदर। यहाँ भी आप गाड़ी को अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये है गाड़ी की साइड प्रोफाइल, आप ये देख सकते हैं जैगुआर XF की साइड प्रोफाइल। गाड़ी के लेंथ की मैं बात करूँ तो गाड़ी की लेंथ काफ़ी ज़्यादा लंबी है, डायमेंशन आपको आपके स्क्रीन पे मेंशन हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों गाड़ी को एक बार हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं R17 एलॉय व्हील्स, यहाँ पे इसमें डिस्क ब्रेक देख सकते हैं, यहाँ पे जैगुआर का लोगो। और मैं आपको बता दूँ दोस्तों, जितनी भी हाई एंड कार्स हैं उनके जो एलॉय व्हील्स हैं ना, वो बहुत ही बेसिक होते हैं। जितनी गाड़ी महंगी होती जाएगी ना, एलॉय व्हील्स उसके ज़्यादा बेसिक होते जाएंगे। अगर आप स्पोर्ट्स व्हीकल में जाते हैं तो इसमें आपको थोड़ा डिफरेंट देखने को मिल जाएगा, लेकिन जो प्रीमियम सेलिंग सेडान्स हैं, जो प्रीमियम सेलिंग SUVs हैं, मैं आपको और भी लैंड ओवर्स का रिव्यू करूँगा, तो उसके लिए भी आप देखेंगे कि जितनी ज़्यादा महंगी गाड़ी होंगी उतने ज़्यादा सटल और बेसिक एलॉय व्हील्स आपको देखेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं इलेक्ट्रिकली एडजस्टेंट फोल्डेबल ओवर व्हील्स फॉर टर्न इंडिकेटर्स। अब यहाँ पे ड्राइवर साइड डोर देख सकते हैं, यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगी गाड़ी के ऊपर, यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट बी पिलर, यहाँ पे आपको सनरूफ देखने को मिल जाएगी, पैनोरामिक सनरूफ है ये, साथ में आपको शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाएगा, फुल ब्लैक डॉट रूफ है इस गाड़ी की। ये आप देख सकते हैं गाड़ी की बैक प्रोफाइल, और ये आप इसकी देख सकते हैं सिग्नेचर LED टेल लाइट्स, ये 20 डीजल इंजन है। तो और ये है जैगुआर की XF, यहाँ पे आपको जैगुआर की बैजिंग देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये है ऑल न्यू XF, यहाँ भी आपको क्रोम फिनिश देखने को मिल जाएगा गाड़ी के अंदर। तो दोस्तों आपने गाड़ी का लुक देख ही लिया है, और आई गारंटी यू लुक वाइज ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के मॉडल्स का मैं बात कर लेते हैं। तो ये गाड़ी 3 मॉडल में अवेलेबल है, वो है प्योर प्रेस्टीज एंड पोर्टफोलियो। जो प्योर वेरिएंट है वो सिर्फ डीजल में आता है, पेट्रोल में आपको अवेलेबल नहीं होगा, पर जो प्योर प्रेस्टीज पोर्टफोलियो वो 3 आपको डीजल के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप पेट्रोल में गाड़ी लेना चाहते हैं तो आपको प्रेस्टीज या पोर्टफोलियो में जाना पड़ेगा। दोनों इसके पेट्रोल और डीजल वेरियंट 2.0 लीटर डीजल इंजन है दोनों में ही, साथ में जो 2.0 लीटर पेट्रोल इंजन है उसमें आपको 197 BHP, 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन और रियल व्हील ड्राइव में आपको गाड़ी देखने को मिल जाएगी। साथ में पेट्रोल का जो एवरेज है वो है 10.8 किलोमीटर पर लीटर।
दोस्तों गाड़ी के डीजल इंजन की बात कर लें तो वो प्रोड्यूस करता है 177 BHP, 430 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, 8 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में आपको वो गाड़ी देखने को मिल जाएगी। साथ में उसका एवरेज जो है काफ़ी अच्छा है, वो है 19.33 किलोमीटर पर लीटर। ये आपने देख ही ली है, अडेप्टिव LED हेडलैम्प्स, 66 लीटर्स आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाएगी इस गाड़ी के अंदर। इस गाड़ी की टॉप स्पीड है 229 किलोमीटर पर आवर। साथ में 0 to 100 पेट्रोल में वो जाती है 6.7 सेकंड्स के अंदर। और गाड़ी के डीजल वेरिएंट का मैं बात करूं तो जो डीजल वेरिएंट है वो जाता है 0 to 100 8.45 सेकंड्स में। तो चलिए दोस्तों गाड़ी का बूट एक बार ओपन करके देख लेते हैं हम। तो यहाँ से हम गाड़ी के बैक प्रोफाइल को देख सकते हैं और ये हम इसका डायरेक्टली बूट ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये हमने किया डायरेक्टली इसका बूट ओपन। तो यहाँ पे आपको 540 लीटर्स का बूट स्पेस देखने को मिल जाएगा। साथ में अगर इसको लिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाएगा और इसको आप यहाँ से बंद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के अंदर चलते हैं और जानते हैं क्या क्या चीज़ें हमको देखने को मिल जाएंगी गाड़ी के अंदर। तो यहाँ से हमने अनलॉक की गाड़ी, गाड़ी के अंदर गए हम। यहाँ पे आपको सन ब्लाइंड्स देखने को मिल जाएंगे बैक पैसेंजर्स के लिए। आप इसको सन ब्लाइंड्स को ऐसे बंद कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिश में हैंडल्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा ग्लॉस फिनिश देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगा। और ये है इसके लॉक एंड अनलॉक के लिए, ये इसकी पावर विंडो के लिए। और दोस्तों ये आप देख सकते हैं जैगुआर की बैक सीट्स। तो चलिए बैक में बैठ के देखते हैं और देखते हैं क्या क्या कंफर्ट लेवल हमको जैगुआर प्रोवाइड करती है। तो ये आगे हम जैगुआर के अंदर लेग स्पेस के बारे में बात करें तो लेग रूम तो इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेग स्पेस काफ़ी अच्छा है गाड़ी के अंदर और हाइट भी गाड़ी की काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे आपको कोट हैंगर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको लाइट्स देखने को मिल जाएंगी। अब यहाँ से लाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। साथ में यहाँ पे आपको AC वेंट्स देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर। साथ में 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दो कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर। गाड़ी के सीटिंग और कुशनिंग की बात करें तो तीन लोग गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। और कुशनिंग के बारे में बात करें तो कुशनिंग गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाएगी आपको। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको तीन हेडरेस्ट देखने को मिल जाते हैं। इसका मतलब ये है तीन लोग इस गाड़ी के अंदर आराम से बैठ सकते हैं। यहाँ पे कुछ जैगुआर की एक्सेसरीज लगी हुई हैं। यहाँ पे अपना सामान रख सकते हैं, ये एक्सटर्नली आपको लगवानी पड़ेंगी, जैगुआर से ही आपको देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों मेन चीज़ जो जैगुआर की XF की फेमस है वो है इसका डैशबोर्ड। आप इसके डैशबोर्ड को देख सकते हैं। हम आगे चल के देखते हैं क्या क्या फीचर्स हमको जैगुआर XF अपनी डैशबोर्ड में प्रोवाइड करती है, साथ में क्या क्या फीचर्स हमको गाड़ी के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए दोस्तों गाड़ी के आगे चल के देखते हैं। आप हमने की गाड़ी अनलॉक, ये आप ड्राइवर साइड डोर देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मेमोरी सीट देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पे लॉक इन अनलॉक, यहाँ पे आपको पावर विंडो कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको मेमोरी सीट्स के साथ इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ से इलेक्ट्रिकली सीट्स एडजस्ट कर सकते हैं। 8-way और 10-way पावर एडजस्टेबल सीट्स का आपको इस गाड़ी के अंदर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ आ गए हम जैगुआर की XF के अंदर और आप ये गाड़ी को अच्छे से देख सकते हैं, जैगुआर XF को। ये फुल लुक है जैगुआर XF के इंटीरियर्स का और इसका सिग्नेचर जैगुआर लोगो, क्योंकि फ्रंट में जैगुआर XJL के अंदर वो लोगो आता है जो आपने देखा था। ये वाला जो लोगो है जो फ्रंट के अंदर लगा होता है वो जैगुआर की XJL के अंदर आता है, पर आपको इंटीरियर के अंदर आपको जैगुआर का प्रीमियम लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, जितने ब्लूटूथ टेलीफोनी वॉइस रिकॉग्निशन और जितने भी कंट्रोल्स ब्लूटूथ टेलीफोनी से रिलेटेड हैं। साथ में ट्रैक चेंज, प्ले पॉज, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको क्रूज़ कंट्रोल के सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा 12.3 सेंटीमीटर ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले। आप इसके अंदर गाड़ी की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे आपको RPM मीटर देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको पैडल शिफ्टर्स देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर। साथ में आपको वाइपर कंट्रोल्स और यहाँ पे लाइट के कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। अब देख सकते हैं स्टीयरिंग व्हील का लुक काफ़ी अच्छा लुक है इसके स्टीयरिंग व्हील का। यहाँ भी आपको स्टील फिनिशेस देखने को मिल जाएंगे गाड़ी के अंदर और यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट मिल जाएगा, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट। यहाँ आप देख सकते हैं आप ऐसे इसके स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट कर सकते हैं और ये स्टीयरिंग व्हील अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा जब आप गाड़ी को अनलॉक करेंगे।
तो ये है इसका सेंटर कंसोल, आप देख सकते हैं इसके सेंटर कंसोल को काफ़ी अच्छा एक वन फिनिश में इसके कंसोल को बनाया गया है, और यही मेन चीज़ है जैगुआर की XF के अंदर जो प्रॉपर लुक आता है इसकी लग्जरी का, वो इसी चीज़ से आता है, आप ये जो चीज़ देख रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिल जाएगा, तो चलिए इसको ऑन करते हैं और देखते हैं कैसी हमको स्टार्टअप देखने को मिल जाता है गाड़ी के अंदर। तो ऐसा कुछ स्टार्टअप आपको देखने को मिल जाएगा जैसे ही आप जैगुआर की XF को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को, और दोस्तों अगर आप इसके ड्राइवर इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले को चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे जो मेन्यू का ऑप्शन है इससे आपको सारे फंक्शन इसके चेंज करने को देखने को मिल जाएंगे, और साथ में गाड़ी की जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप इसके अंदर ले सकते हैं, आप इसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और जितनी भी गाड़ी का इन्फॉर्मेशन है आप सारी इसके अंदर डायरेक्टली ले सकते हैं। अब यहाँ पे भी आप गाड़ी के देख सकते हैं, ये जो आपके पैडल्स हैं वो भी आपको स्टील फिनिश में देखने को मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छा लुक देते हैं गाड़ी को। तो चलिए दोस्तों इसके 10 इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम में बात कर लेते हैं। तो ये है इसका 10 इंच टच प्रो इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जो कि आपने मेरी पुरानी वीडियो विलाय के अंदर भी देखा था, सिमिलर स्क्रीन है, सिमिलर फीचर्स हैं, सारे फीचर्स आपको इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे, पर उसके अंदर आपको व्हीकल डायमेंशन देखने को मिल जाता था, इसके अंदर आपको व्हीकल डायमेंशन देखने को नहीं मिलेगा, इसके अंदर आपको व्हीकल के डायमेंशन बाहर से देखने को मिल जाएंगे। साथ में एम्बिएंट लाइटिंग का फीचर इसके अंदर भी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं एम्बिएंट लाइट्स ब्लू है, अभी रेड कर देते हैं चलिए हम इसे, तो यहाँ से रेड हो गई। कैमरे की बात करें तो अगर इसका कैमरा हम ऑन करना चाहते हैं तो ये आप देख सकते हैं इसका रियर व्यू कैमरा, यहाँ पे आप नीचे AC कंट्रोल्स देख सकते हैं, यहाँ पे FM नेविगेशन, इनबिल्ट नेविगेशन देखने को मिल जाएगा। जितनी भी सारी चीज़ें मैं आपको विलाय के इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताई हैं तो वही सारी चीज़ें आपको यहाँ भी देखने को मिल जाती हैं। अब देख सकते हैं इसका टच जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पे आपको ब्लूटूथ टेलीफोनिक कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको मीडिया कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, मेरिडियन का साउंड सिस्टम लगा है 80 वॉट का, पोर्टफोलियो के अंदर आपको काफ़ी अच्छा मेरिडियन साउंड सिस्टम देखने को मिल जाएगा। ये जो आप जिस मॉडल को देख रहे हैं वो है प्रेस्टीज मॉडल, और देखिए दोस्तों प्रीमियम लग्जरी कार की क्वालिटीज़ यहाँ भी आपको जैगुआर देखने को मिल जाएगा इसी इवेंट्स पे भी, और यहाँ पे आपको सिल्वर फिनिश देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप ग्लोव बॉक्स देख सकते हैं, मेरिडियन का साउंड सिस्टम, उसकी बैच देख सकते हैं, यहाँ पे आप 2 जोन क्लाइमेटिक कंट्रोल AC, ये ड्यूअल जोन है, यहाँ पे आपको मैक्सिमम AC, ये AC के लिए ड्राइवर और को ड्राइवर अपने हिसाब से टेम्परेचर सेट कर सकते हैं, यहाँ पे आपको बता ही दिया है मैंने, स्टार्ट स्टॉप बटन है, ये सेट भी वॉल्यूम और स्क्रीन ऑफ करने के लिए बटन है, और ये इसका जैगुआर लैंड रोवर का सिमिलर एंड यूनिक गियर नॉब। यहाँ भी आप देख सकते हैं कुछ फंक्शन दिए गए हैं गाड़ी के, ये है गाड़ी कंट्रोल्स के बारे में, जितने भी गाड़ी के कंट्रोल आप देखना चाहते हैं वो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे आपने ऑटो मोड पे चलाना चाहते हैं तो ये आ गया आपका इको मोड, यहाँ पे रेन्स आइस एंड स्नो मोड, और यहाँ पे आपका इको मोड देख सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल मोड है, यहाँ पे डायनामिक मोड है, जितने भी मोड्स हैं गाड़ी के अंदर आप सब यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं और वहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ये इसका ट्रैक्शन कंट्रोल, यहाँ पे इसके इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ये आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश है इसका, आप इसको ओपन करेंगे तो आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाएंगे, और ये इसका आर्मरेस्ट, इसके अंदर भी आपको चीज़ देखने को मिल जाएंगी। तो उससे यहाँ भी आप माइक्रो सिम डाल सकते हैं, साथ में 12 वोल्ट का चार्जर देखने को मिल जाएगा, साथ ही में USB पोर्ट्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों हम इसकी सनरूफ को ओपन करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ से इसकी सनरूफ हो जाएगी अपने आप ओपन, आप देख सकते हैं इसकी सनरूफ को यहीं से बंद हो जाएगी इसकी सनरूफ, और यहाँ से इसका कर्टन को आप ऑफ कर सकते हैं। और दोस्तों आप ये सोच रहे होंगे बीच वाला बटन क्लिक किसके लिए है, तो ये है रियर के सन ब्लाइंड्स, अगर आप इसकी रियर में सन ब्लाइंड्स को देख सकते हैं, मैं ये बटन दबाऊंगा आप इसके रियर के सन ब्लाइंड्स को देखिएगा, ये मैं इसका बटन किया प्रेस तो आप इसके रियर सन ब्लाइंड्स को देख सकते हैं। दोस्तों ये आप देख सकते हैं जैगुआर XF का फुल डैशबोर्ड, सारी चीज़ें मैं आपको जैगुआर XF के बारे में बता ही चुका हूँ और सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दी है। तो चलिए दो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो है सेफ्टी और प्राइजेस, इसके बारे में हम अब बात करते हैं। यहाँ पे हमने इंजन कर दी ऑफ,
दोस्तों गाड़ी के सेफ्टी फीचर्स के बारे में अगर बात करूं तो इसमें आपको 5-star यूरो एनकैप रेटिंग देखने को मिल जाएगी, साथ में पेडेस्ट्रियन कंट्रोल सेंसिंग भी है जो कि इंडियन ड्राइव पे बहुत ही ज़्यादा काम आ सकती है आपको, क्योंकि लोग काफ़ी ज़्यादा रोड क्रॉस करते हैं, कभी भी कहीं भी कोई भी क्रॉस कर देता है। साथ में ड्राइव अवे लॉक भी है, 6 एयरबैग्स देखने को मिल जाएंगे, इमरजेंसी ब्रेकिंग देखने को मिल जाएगी और 24/7 रोड असिस्टेंस जो कि लैंड रोवर और जैगुआर दोनों ही कंपनीज में अवेलेबल है। गाड़ी के प्राइस की बात करूँ तो 49.78 लाख फॉर द लोएस्ट एंड प्योर डीजल वेरिएंट, और जो टॉप एंड इसका जो वेरिएंट है उसका प्राइस है वो 61.39 लाख। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, साथ में ये भी बताइए कि जैगुआर की जो एक्स है वो क्या अच्छे से कम्पीट कर सकती है मर्सिडीज़ की ई क्लास और ऑडी A6 को। दोस्तों इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएँ।